The wife of Rohit Shekhar Tiwari, the son of ND Tiwari, has now been arrested for his murder. He had in fact been brought dead to a Delhi hospital a few days ago. And Apoorva Tiwari now arrested for Rohit's murder. Mukesh Singh Singer joining us at this point. What other details are we getting, Mukesh? देखिए दिल्ली पुलिस ने जो रोहित शेखर तिवारी की पत्नी अपूर्वा तिवारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की पूछताछ में अपूर्वा ने ये बताया कि इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने अकेले अंजाम दिया है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी. यानी कि करीब 11 महीने पहले रोहित की शादी अपूर्वा से हुई थी. दोनों ने लव मैरिज की थी लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और उनके बीच में काफी झगड़ा होता था. कई बार पुलिस को भी बुलाना पड़ा था तो लगातार दोनों के बीच में तनाव था. यहाँ तक कि अपूर्वा घर में रोहित से अलग एक दूसरे कमरे में रह रही थी, ये भी जानकारी मिली है. और जांच में ये बात सामने आई कि उस रात यानी 15-16 अप्रैल की रात जब रोहित अपने पहली मंजिल के कमरे में सो रहे थे तब केवल 3 लोग ऊपर गए थे जिसमें अपूर्वा थी, उनका ड्राइवर अखिलेश था और नौकर भोलू था. केवल 3 लोग ही ऊपर थे और कोई भी शख्स ऊपर न गया था न आया था. तो पुलिस को शक इन 3 लोगों पर था लेकिन पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि इस मर्डर में केवल अपूर्वा ही शामिल है और उन्होंने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात सामने आई थी कि जो रोहित शेखर तिवारी थे उनका गला दबाया गया है और उनका मुंह दबाया गया है जिससे उनकी मौत हुई है. तो अपूर्वा ने इस पूरे मामले में काफी पुलिस के सामने अपने स्टेटमेंट चेंज किए लेकिन फाइनली पुलिस ने कुछ फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अभी उस पूछताछ जारी है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. All right, thanks very much indeed for joining us with those details.